हमारी अनोखी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे किचन की टिप्स, छोटी सी धनिया की। ये हरा धनिया है, ये हमने नॉर्मल पानी में दो बार अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम, ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं और पानी है। अब इसको हम धनिया को इसमें भिगो के ऐसे रख देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए इसमें भिगो के रख देंगे। एक बार भी धो सकते हैं आप इसमें बर्फ के पानी में, दो बार भी। 10 मिनट हो गए, देखो ये अच्छे से भीग चुका है। अब इसको हम इसमें निकालेंगे। पाँच मिनट के लिए रखेंगे, इसका सारा पानी नीचे निकल जाएगा। देखो इसका पानी सारा नीचे निकल चुका है। अब इसको हम एक सूती कपड़ा बिछाएंगे। ये सूती ओनी है, यानी कि कॉटन की। चुन्नी हो या कोई भी कपड़ा हो, सूती यानी कि कॉटन का होना चाहिए। इसको ऐसे करके सारा इस पर ऐसे डाल देंगे। अगर आपके पास टेबल फैन हो तो देखो, इसको कैसा भी पंखा हो आपके यहाँ, फैन हो मतलब, उसके नीचे इसको 2 दिन तक सुखाना, अंदर सुखाना कॉटन का कपड़ा लेकर पंखे के नीचे 2 दिन तक। देखो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ढक दो, जो ऊपर पानी है वो ये ऐसे सोख लेगा। ये सारा पानी सूख चुका है ऊपर का, इसको ऐसे हटाओ। अब इसको ऐसे ही रखना। देखो आप हरे धनिया को ऐसे डब्बे में भी रख सकते हो। इसमें 15 दिन तक फ्रिज में रखना। इसमें देखो ताजी भी ऐसे ही रहेगी और खुशबू भी ऐसे ही रहेगी। हरी मिर्च और हरा धनिया ऐसे डब्बे में रखो, फ्रिज में रख दो। जैसे आपकी सब्जी में हरा धनिया आता है, रोज यूज करो सब्जी में। जब 2 दिन तक ये हवा में सूख जाएगा, 2 दिन बाद इस पे 2 घंटे की धूप लगाई जाएगी, सिर्फ 2 घंटे की धूप में सुखाकर, तब दिखाएंगे इसको कैसे करना है। देखो हमने बोला था कि हम 2 दिन को इसको पंखे के नीचे सुखाएंगे, ये हरा धनिया है, फिर इसको 1 दिन की धूप लगाएंगे। हमने इसको 2 दिन पंखे के नीचे सुखाया, 1 दिन की धूप लगाई है। देखो ये कितना अच्छे से सूख चुका है। अब इसको ऐसे करके इसको बारीक कर लेंगे मसल मसल के। देखो हमारा हरा धनिया अच्छे से कितना बारीक हो चुका है। अब इसको आप गर्मी में सब्जी में डाल सकते हैं, इसकी खुशबू भी वैसी की वैसी है। अगर आपको हरा पुदीना भी ऐसे ही करना हो, उसकी खुशबू ऐसे ही चाहिए, तो उसको भी आप 1 दिन पंखे के नीचे और 1 दिन की धूप लगाना, और ये हरा धनिया भी ऐसे ही करना। और हरा धनिया गर्मियों की सब्जियों में डालकर तब देखना इसका स्वाद कितना अच्छा आएगा। आप भी ऐसे ही करना, आपको तब पता चलेगा कि हाँ हम बिल्कुल सही टिप्स बता रहे हैं आपको। देखो हमने 200 ग्राम हरा धनिया सुखा था। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा ले सकते हैं, ये सूख कर बहुत कम हो जाता है। इसको ऐसे डब्बे में घाल के रख लेना, डब्बे में अच्छा रहता है। देखो तो हमारी अनोखी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे किचन के लिए छोटी सी टिप्स, यानी कि गरम मसाला। गरम मसाले के लिए हमने जीरा लिया है, धनिया लिया है, ये काली मिर्च है, ये लौंग है, ये सूंठ है, ये दालचीनी है, ये वो है इलायची मोटे वाली। आप जो गरम मसाला बनाओगे या कोई सब्जी में डालने के लिए, कोई भी चटपटा सामान डालने के लिए, तो घर पे ही बनाना। बाजार से गरम मसाला नहीं लाना, क्योंकि उसमें कुछ मिलावट आती है। इसलिए घर पे बनाकर देखना, उसको भी सब्जी में डालना और बाजार का भी डालना, दोनों में आपको फर्क महसूस होगा, तब देखना। थोड़ा थोड़ा सामान मिक्सी में करके इसे डाल के पीस लेंगे।
ये तो सारा एक साथ ही पिस जाएगा। और जैसे धनिया पाउडर होता है वो भी आप घर में ही बनाइए, बाजार से मत लाइए, उसमें भी मिलावट आती है, वो भी अच्छा नहीं रहता। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखो ये हमने मिक्सी में पीस लिया है, इसको हम ऐसे छलनी में छान लेंगे। देखो ये छलनी में है ना ऊपर, ये मोटा मोटा सा है, इसको एक बार फिर पीस लेंगे मिक्सी में। देखो हमने ये दोबारा पीस लिया, और जो ये ऊपर है छलनी में ये मोटा मोटा, इसको भी आप सब्जी में डाल सकते हैं। सब्जी में थोड़ी देर पहले डाल दो इसको, इससे भी अच्छा स्वाद आएगा। इसको ऐसे डिब्बे में डाल के रखना, इससे इसकी खुशबू बाहर न निकल पाए। देखो इसको हमने एक डब्बे में घाल लिया है, इसको ऐसे रखना। और आप इसको छोटी टिप्स मत समझना, है तो ये छोटी किचन के लिए, पर ये काम बहुत बड़े करती है। आप इसको घर में ही बनाना और फिर इस्तेमाल करना, जब बताना हमें कमेंट में कि आपको कैसी लगे हमारी छोटी छोटी टिप्स। जैसे धनिया की बनाई थी हमने, हरे धनिया की, और ये गरम मसाले की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।